गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स मीन्स होता है अंग भाग और बॉडी मीन्स होता है शरीर। पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन्स शरीर के अंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर, सिर को इंग्लिश में बोलते हैं हेड, एच ई ए डी, हेड। हेड मीन्स सिर। एफ ए सी ई, फेस। फेस मीन्स चेहरा। ई वाई ई, आई। आई मीन्स आंख। N O S E, nose. Nose means नाक। L I P S, lips. Lips means होंठ। T double E T H, teeth. Teeth means दांत। M O U T H, mouth. Mouth means मुंह। E L B O W, elbow. Elbow means केहुनी, जिसे कोहनी भी कहते हैं। A R M, arm. Arm means बांह। P A L M, palm. Palm means हथेली। F I N G E R S, fingers. Finger means अंगुलियां। H A N D, hand. Hand means होता है हाथ। E A R, ear. Ear means कान। T H I G H, thigh means जाम। C A L F, calf means पिंडली। F double E T, feet means होता है students पैर। T O E, toe means होता है पैर की अंगुली। H double E L, heel. Heel means होता है एड़ी। चलिए अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। H E A D, head. Head means होता है सिर। H A I R, hair. Hair means होता है बाल। F O R E, H E A D, forehead. Forehead means होता है ललाट या माथा। F A C E, face. Face means होता है चेहरा। N E C K, neck means होता है गर्दन। ये neck है students। C H double E K, cheek. Cheek means होता है गाल। C H I N, chin. Chin means होता है ठुंडी। S H O U L D E R, शोल्डर। शोल्डर मीन्स होता है कंधा। सी एच ई एच टी, चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है छाती। ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो। एल्बो मीन्स केहुनी, जिसे कोहनी भी कहते हैं। डब्ल्यू आर आई एच टी, ब्रिस्ट। ब्रिस्ट मीन्स होता है कलाई। एफ आई एन जी ई आर एस, फिंगर्स। फिंगर्स मीन्स अंगुलियां। K N double E, knee. Knee means होता है घुटना। T O E, toe means होता है पैर की अंगुली। B E double L Y, belly. Belly means होता है पेट। W A I S T, waist. Waist means होता है कमर। A R M, arm. Arm means बांह। H A N D, hand means होता है हाँ। T H I G H, thigh means होता है जाम। L E G S, legs. Legs means टांगे। F double O T, foot. Foot means होता है पैर।